नया बैट्समैन जो जी मैच में खेलने जाता है तो सबसे पहले जो होता है ना सिंगल रोटेट करने के लिए, सिंगल रोटेट करने से क्या होता है ना आप सेट होइएगा, आप दो बॉल या तीसरा बॉल पर सिंगल लेकर के एंड चेंज करते रहिएगा तो क्या होगा आप जो एंड पर खड़ा रहिएगा तो वहाँ से भी सेट होइएगा, वहाँ से बॉल को आपके अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा जितना बॉल आप खेलते रहिएगा उतना कॉन्फिडेंट आते जाएगा। तो सिंगल लेते रहिएगा, आपका पार्टनर सिंगल लेगा, आप सिंगल लीजिएगा तो क्या होगा बॉलर को भी इसमें प्रेशर पड़ता है, वो भी सेट नहीं हो पाता। आप बैटिंग अलग ढंग से करते हैं, दूसरा लड़का अलग ढंग से करता है, उसको बॉल डालने में दिक्कत होता है, दिक्कत होता है। तो दोनों आदमी को जाइए आपको छः बॉल खिलाएगा, तीन बॉल खिला दिया था, चौथा बॉल वो बॉलर जो है ना अच्छा बॉल डालेगा क्योंकि आपका पॉइंट जो है बैटिंग करने का वो पकड़ लिया तो वो आपका अच्छा बॉल डालेगा। इसलिए जब बैटिंग आपका आता है ना तब चाहिए कि आपको पहला या दूसरा बॉल पर सिंगल ले करके एंड चेंज करना चाहिए। तो एंड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप खड़ा जैसे बैटिंग करते हैं आप जैसे स्टांस, सबसे पहला स्टांस सही रहना चाहिए, स्टांस आपका सही रहेगा, बैक लिफ्ट आपका सही रहेगा, सर सही रहेगा, एल्बो सही रहना चाहिए बॉल की तरफ, जैसे आप फील्डर पीछे लगा हुआ है ये सब फील्डर पीछे लगा हुआ तो अब हमको क्या करना है सॉफ्ट हैंड से खेल करके एक सिंगल ले लिया, सिंगल ले कर करके वो एंड पर चल गए, वो एंड पर चल गए तो वहाँ से हमको देख रहे हैं कि बॉल कैसा गिर रहा है, कैसा विकेट का व्यवहार है, बॉल स्किट करता है कि फंस के आता है, वो चीज़ वहाँ से आप जो है बैटिंग एंड पर से आप सीखते हैं। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ये होगा कि हम सिंगल ले करके बॉलिंग वाला एंड पर खड़ा रहे, वहाँ से आप सेट होइएगा। फिर देखिए आप जब आप बॉल का सिंगल लेना है, नज़दीक खिलाड़ी लगा दिया तो नज़दीक खिलाड़ी आप लगा दिया शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट लगा दिया आपको, ये नया खिलाड़ी है आपको लगाएगा तो क्या करना है जैसे ऐसे खड़ा है ऐसे लिए बैट को ऐसे मुँह खोल दिए, एक सिंगल इधर ले लिया, एक सिंगल हो गया, फिर हम चल गए एंड पर। इसी तरह से रन जो है एक एक रन करके आपको बनाना पड़ता है, जैसे बूंद बूंद से खड़ा भरता है ना, जैसे बूंद बूंद से खड़ा भरता है उसी तरह से रन जो है एक एक रन जो है आप जो एक रन ले रहे हैं ना जितना टीम में खिलाड़ी है ना वो परेशान हो रहा है, आपके लिए अलग फील्ड सेट करता है, उसके लिए अलग फील्ड सेट करता है, दोनों के लिए अलग अलग फील्ड सेट करता है, तो बॉलर को भी जगह नहीं मिलता है, आप जो है धीरे धीरे सेट हो रहा है। अब जो है तेज गेंदबाज को लगाएगा तो आप जो है ऊपर बॉल दिया तो थोड़े गैप में खेल करके सिंगल दीजिए, फिर लेग साइड में दिया, लेग साइड में ऐसे दिए, ऐसे करके सिंगल ले लिए इसको, तो सिंगल पहले लेना है, मारना नहीं है क्योंकि आपका बॉडी जो है गर्म नहीं हुआ है, बॉडी जो है बुलेट जब गर्म होता है तब ना फिंगर पकड़ता है, उसी तरह से हम लोग क्रिकेटर में क्या होता है ना जब बॉडी गर्म होता है तो शॉट जो है अच्छा लगता है क्योंकि फुटबॉल जो है पैर जो है वो मेरा क्विक चलने लगता है, बैट मेरा क्विक चलने लगता है, तब जा करके शॉट जो मारिएगा वो चार रन के लिए निकलेगा। उसका तेज गेंदबाज का और एक तरीका है सिंगल का, विलियमसन का नाम आप सुने होंगे, विलियमसन जो है वो ऐसे खेलता है जहाँ से आया बॉल यहाँ पर देखिए लेट कब खेलते गए ऐसे करके गया यहाँ पर खेला, यहाँ पर खेलता है एक रन क्योंकि साइड खाली रहता है 90% खाली रहेगी, स्लिप लगा भी रहेगा तो दाएं से बाएं तरफ चल जाएगा, एक रन पक्का है ही है उसको रोक नहीं सकता, उससे क्या होता है आप सेट हो गए ए यहाँ पर आकर के एक रन खेल लिया। इस तरह से जो है आपको करना पड़ेगा, 10 रन का पार्टनरशिप होता है 10 रन का, अभी हम दोनों आदमी पार्टनर हैं तो हम बोलेंगे हम लोग 10 रन जो है ये चार ओवर में बनाना है, आप भी नया बैट्समैन उतरे हैं हम भी नए हैं तो हम लोग 10-10 रन का पार्टनरशिप करेंगे, फिर 20 रन का पार्टनरशिप करेंगे, फिर हम लोग 30 रन का पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद यही 5 ओवर पार्टनरशिप करेंगे 50 रन का करेंगे, अब हम लोग को मारना है, अब हम लोग को रन पर खेलना है, उसके बाद आप मारिएगा ना उसके बाद जो बॉल को रोक रहे थे वो बॉल को भी मारिएगा चौका होगा क्योंकि आपको गैप नज़र आएगा, ये गैप में मारना है ये गैप में मारना है, जिधर भी आपको जहाँ भी मारिएगा वो गैपे में जाएगा। इसी तरह से रन को जो है रोटेट किया जाता है तब आप जा करके लंबा रन करिएगा, अजय जी आप जाते ही देरी
बॉडी आपका खुला नहीं है, आप जाके चौका मार दे लेंगे। नहीं नहीं, तीन बॉल हम रोक दिए हैं, अभी चौथा बॉल पर मारेंगे। तो चौथा बॉल बॉलर का अच्छा बॉल गिरेगा, क्योंकि तीन बॉल से आपको जज कर लिया जो कैसा आप बॉल फेंक रहे हैं, बैटिंग आप कैसा कर रहे हैं, आपको जज कर लिया। तो चौथा बॉल और अच्छा बॉल डालेगा, अच्छा डालेगा। आपका बॉडी खुला नहीं है, बॉडी आपके रिदम में नहीं आया, रिदम में नहीं आया तो बस मारने जाइएगा, आप आउट हो जाइएगा। इसलिए सिंगल रेट करते रहिए, धीरे धीरे अपने रन बनेगा, अपनी मंजिल बनेगा, सौ लगेगा। तो इसी तरह से करना चाहिए। करके दिखाइए, ये तो सिंगल ले लिया, सिंगल लेना है ऐसे कर सॉफ्ट रन से। चलो बैट को थोड़ा ऐसे मुक इधर से, ये एरिया में खाली जगह है, ये यहाँ पर तो कूलर लगा हुआ, ये एरिया खाली है, इधर बैट को ऐसे कर देना, ये ऐसे कर बैकफुट पर खेली तेज रन, आपको बैकफुट पर यहाँ पर रन लेना है, यहाँ पर बॉल को खेलना है। हाँ ये देखा, ऐसे लिए, ऐसे करके, ऐसे करके एक रन आपका पक्का है। चलो थैंक यू, यही सब चीज़ सीखने की चीज़ है, रन कैसे बनता है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर, सिंगल सिंगल से ही घर बनता है, ठीक है। ओके, आपका क्रिकेट में कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बैटिंग में भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कॉमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। फील्डिंग में आपको फील्डिंग में कैच छूट जा रहा है, या बॉल आपको ठीक से नहीं पकड़ा रहा, तो उसके बारे में बोलिए, या बॉलिंग हो या क्रिकेट का कोई विषय में, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपको हर चीज़ जो है बताते रहेंगे, हर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और फील्डिंग हो, बैटिंग हो, जो भी क्रिकेट का होगा प्रॉब्लम आपको हम बताएँगे। थैंक यू।